चलिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल है ये क्राफ्ट। ये वाले भैया मुझे हेल्प कर रहे हैं ब्लॉग करने में। बोल सिग्नेचर के ना खाओ मत, देखो इनके ऐसा पहन के ऐसा भी रिलैक्स कर सकते हैं। आई थिंक गाइस आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट राइट नाउ, क्योंकि जैसे मैं वाटरफॉल दिखाने गई हूँ रवि, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक बागान भी दिखाई दे रहा है मुझे गाइस, दिखा रही हूँ मैं। वाओ, तो ये रहा रेस्टोरेंट विच इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ बैम्बू क्राफ्टेड रेस्टोरेंट। पूरा आइए 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 लुलु, चलो सबको हाय बोलो। हेलो एवरीवन गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैं पूरा मुंह में तामुल भरा के आई हूँ गाइस, डोंट टेल मी, बाद में कॉमेंट में ही खाली तामुल ही खाते रहते हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा टॉपसी टर्बी लाइन क्रॉस करके, हम लोग एक नया किलिंग में, किलिंग है ना वो जगह का नाम, किलिंग साइड में एक नया रिजॉर्ट खोला गया है, एक महीना भी नहीं हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो हम लोग को इनवाइट किया गया था लेकिन उस दिन हम लोग नहीं गए थे, तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं। वहाँ पे क्या क्या कैसा कैसा है नहीं है सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पे है लक्ष्मण भाई है हम लोग का, और लुलू इज देयर, एंड सडन प्लान ऑफ कोर्स बाय माय हस्बैंड, जो हमेशा सडनली प्लान करता है और बोलता है चलो आज यहाँ जाते हैं, चलो वहाँ जाते हैं। थैंक यू बेबी, वेलकम डार्लिंग। तो गाइस आप लोगों को दिखाएंगे नया रिजॉर्ट आने का आने का इधर में अपना जगह में ही है। हम लोग के घर से ना बहुत सामने है, तो हम लोग ना बैक साइड से जाते हैं, बैक साइड का नजारा मैं दिखाती हूँ। तो इतना खूबसूरत जंगल का व्यू है ऐसे, ये हम लोग का घर का बैक साइड है गाइस, तो देखो कितना सुंदर जगह में रहते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सा धूला है गाइस, डोंट माइंड। दो तारीख से रास्ता पिच होने वाला, पिच रास्ता पिच होने से भी, हाँ तब थोड़ा सा धूला कम होगा। तो मैं आज इंट्रो अभी दो तारीख से होने वाला है, मतलब स्टार्ट काम, मतलब ये पूरा पिच होगा, ये पूरा एकदम पूरा हमारा मेन रोड तक पूरा पीच होने वाला। बट अभी भी पहले से रास्ता काफी ठीक है, क्योंकि दो तीन साल पहले जब आई थी तो तब ऐसे भी नहीं जा पा रहे थे, ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा था। तो चलो हम लोग चलते हैं और वहाँ पे मिलती हूँ मैं। अभी लाइट्स थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा डिम हो रहा है क्योंकि सनसेट हो गया है, होने वाला है सनसेट। और टाइम टाइम कितना हो रहा है, 5 बजने वाला है। तो अभी जा रहे हैं, चलो गाइस चलते चलते बात करते करते ज्यादा मजा आता है, इसलिए कैमरा ऑन कर लिया मैंने। तो ये रहा व्यू, तामुल गोस, तामुल गोस। मेरा बटे ना, हम बोला है उधर में, तो वो लोग बोला तेरा बटे का इसमें हम स्टार्ट करेंगे। हम लोग हाई लेवल इंसान है ना। इसका ये खाली जोक करता है गाइस, ऐसे मत सोचो कि लेवल मार रहा है। नहीं बोला रवि तेरा बर्थडे का दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग बर्थडे के दिन में स्टार्ट करें तो मेरा फायदा क्या है, बर्थडे के पहले ही हो जाता तो अच्छा होता ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, हम लोग इधर पार्टी किया था ना लुलू। हाँ, हम लोग पिकनिक गए, लुलू को याद नहीं है। तो हम लोग ना जब मैं व्लॉग, हाँ जब मैं व्लॉग नहीं करती थी तो हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जगह पे हम लोग पिकनिक करते थे। चांग था, यहाँ पे चांग था, इधर चांग में हम लोग बना के, इधर में हम वो पोखरी का सामने में हम लोग नहीं, हाँ किया तो बहुत बार किया है एक्चुअली। अभी वो था ये कहूंगा दिस इज द एंट्रेंस विच लुक्स सो ऑसम गाइस, सामने से ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे, सो देयर इज अ एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट राइट देयर, और लुलू ऑलरेडी जा चुके हैं वहाँ खेलने के लिए। देखो पहुँच गई अपने चाचा के साथ खेलने, तो सी ऐसा कुछ है, बहुत नीट एंड टाइडी है गाइस, बहुत नीट एंड टाइडी, मतलब लुक एट द फ्लोर। सो दिस इज लुलू, लुलू गो वंस अगेन। लुलू को बहुत मजा आ रहा है ना, एंट्री करते ही पार्क मिल गया। हाँ लुल्स, तो ये रहे मेरे पति। चलो आगे आगे है ना, चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठना है तो पार्किंग।
अभी तो जस्ट एंट्रेंस है. ओ दिस इज द ओनली एंट्री. एंट्रेंस यस. चलो चले बाद में आएंगे. उठ लुलु आमी आरो इफाले जाबो लागিব बोला. इफाले रिसेप्शन स्टार्ट होबो ए. आहा बोला. आजा आजा. देखो कितना खूबसूरत फ्लावर्स है बाबू. हां पूरा लाइन से वेल मेंटेन्ड. लेकिन ना कौन बोला? मैं खुद बर्नी हाथ से हूँ. ये वाले भैया मुझे हेल्प कर रहे हैं व्लॉग करने में. बोल रहे हैं कि वाटरफॉल को दिखा दो. मैं ऑन कर रहा हूँ. तो ये रहा. वाव. तो जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ से, यहाँ पे आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा वाटरफॉल जो काफ़ी खूबसूरत है. मतलब ये सब प्लास्टर करके बनाया गया है, विच लुक्स लाइक अ रियल स्टोन. और यहाँ पे कलरिंग वाला लाइट भी है. गाइज आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट राइट नाउ, क्योंकि जैसे मैं वाटरफॉल दिखाने गई हूँ, रवि, फिर लक्ष्मण एंड लुलू, ओ नहीं है, मेरे लिए वेट कर रहे हैं, हाउ स्वीट. और वो भैया को भी थैंक्स अ लॉट अगर उन्होंने मेरा व्लॉग देखा तो, क्योंकि उन्होंने बोला वाटरफॉल भी दिखाओ दीदी, मैं ऑन कर देता हूँ. तो सारा लाइट ऑन कर दिया इन्होंने अभी आते ही, क्योंकि मैंने बोला था मैं व्लॉग शूट करूँगी. सो या देयर इज एन आउल ऑल्सो. यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट करके रखा है गाइज. आई मस्ट से दैट कैसे इन्होंने प्लास्टर करके एक पेड़ बनाया है और साइड में एक आउल, उसने एक मछली भी पकड़ा हुआ है साथ में. सो दैट्स लुक नाइस. तो मीनवाइल रवि चला गया है पार्किंग करने के लिए. मैंने बोला कि मैं शायद वॉक करूँगी, क्योंकि वॉक करने में मुझे मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं है. गाड़ी पे उठ के चली जाऊँगी तो पता नहीं चलेगा गाइस. सो ये वाला जो था वो एरिया पार्क का था. और पार्क ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पे बोटिंग एरिया भी बनाया है. एक स्वीट सा पॉन्ड है जो यहाँ पे बोट वगैरह सब कुछ है, लाइफ जैकेट एंड ऑल. सो ये अभी नया नया खुला है गाइस, किलिंग में है. द नेम इज़ अरण्या रिजॉर्ट. सो ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. मैंने सुना था इसके लॉन्च पार्टी में मम्मी पापा आए थे, तो मम्मी पापा ने बोला था बहुत बड़ा है. तो आज देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक बागान भी दिखाई दे रहा है मुझे गाइस. दिखा रही हूँ मैं, ये देखो, ये एक बागान है जिसको अभी तक यूटिलाइज भी नहीं किया गया है अच्छे से. जब ये धीरे धीरे और बनेगा, शायद इसमें भी कुछ कुछ और इनकॉर्पोरेट करेंगे ये लोग. बट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और माहौल इतना पीसफुल है ना. वो रहे मेरे बच्चे लोग, मेरे लिए वेट कर रहे हैं. तो लेट्स गो अंदर, और भी कुछ है शायद. तो गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का प्यार मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए. सो यहाँ पे भी मैं कुछ देख पा रही हूँ. सो दिस इज़ द वॉशरूम. अच्छा रुको रुको रुको, डोंट गो डोंट गो. हाथ धरा पापा, हाथ धरा लुलु, पानी भय लगे तुम लोग. हाथ नेरिबा हाँ, ये कथा नक पानी ऊर लुलु. कैसा लग रहा है लक्ष्मण? हाँ चलो लुलु. बोर खराब लगा. क्यों क्यों? इतना अच्छा जगह में ना खराब लगे. ये खाली मजाक ही करते रहता है, एनी टाइम मेरे को डरा दिया भाई. लुलु वेट गाड़ियों से. तो ये रहा रेस्टोरेंट विच इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ बैम्बू क्राफ्टेड रेस्टोरेंट. पूरा बैम्बू से बनाया हुआ है ना, बांस से, छोटा छोटा बांस. सो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है देखने में एंड स्टाइलिश. तो हम लोग अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब खाना ऑर्डर करेंगे और खाएंगे. तो ये है मेन रेस्टोरेंट गाइस. ये भैया मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बेचारा लाइट जला के दे रहा, थैंक यू.
कथकली है ना, इट्स अ कथकली है ना, इट्स अ कथ जैसे हम लोग ने रेस्टोरेंट क्रॉस किया, सो दिस इज द लॉन विच इज अटैच्ड टू द रेस्टोरेंट एंड दिस इज द पूल साइड वेयर रवि इज स्टैंडिंग। तो ये वाला है लॉन, लॉन्स मतलब वो रहा रेस्टोरेंट, उसके बाद है लॉन, उसके बाद है पूल साइड। तो आई गेस यहाँ पे पार्टी करने वाला थीम रखा है वो लोग, जिसको पूल साइड चाहिए वो पूल साइड यूज कर ले, फिर लॉन भी मिल रहा है साथ में रेस्टोरेंट के साथ, जब मतलब सनी डे हो तो अच्छे से ओपन स्पेस में पार्टी कर सकते हो ये लॉन पे। बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस, लुक एट द सीनरी। और ये सब तो बाद में बनेगा आई गेस। स्टार्ट, कम आल्सो शो यू द पूल साइड, कम अगेन, रिपीट, नो फंबलिंग, कम आई विल शो यू द पूल साइड, कम 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 ओवर हियर, आइए आइए आइए, लुलु आप भी चलिए, पापा दिखाएंगे, आप भी चलो पूल साइड। ओके, शैक्स भी है वहां पे। लुलु 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 प्लीज नो बेबी, कौन है रे, ये तो की मोए जमा दे बस, हो ना की दिन ये सब पूल सब गाइस, यह पूल है टावल ऐसा करके मैंने बनाया है टावल। यहां पे आप लोग आके एंजॉय कर सकते हो, नहाने के बाद पार्टी भी कर सकते हो, सुखा सकते हो, कर सकते हैं ऐसे, कैसे कैसे ऐसे, फिर से कैसे, और ये टॉवल नहाने के बाद पहन के ऐसा पहन के ऐसा भी रिलैक्स कर सकते हैं और फिर वो वाला गाना भी डांस कर सकते हो, जवानी फिर ना आए तो ये वाला शेक्स अच्छे से मेंटेन किया है, तो शायद दिन को ज्यादा खूबसूरत लगेगा ना लक्ष्मण, क्योंकि हम लोग आते आते थोड़ा सा डीम हो चुका है लाइट, पर फिर भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये स्विमिंग पूल में मुझे जाने का मन है, लेकिन ठंडा बहुत है, ठंडे में नहीं जाएंगे, कपड़े भी नहीं है, आई थिंक वो लोग कपड़ा भी प्रोवाइड करते होंगे ऑब्वियसली ना। तो वहाँ पे एक सीटिंग एरिया है पूल के जस्ट बिसाइड दैट साइड, तो चलो चलते हैं उस तरफ, क्या है दिखाते हैं। ओ वो शायद बाबू वो है बुफे एरिया, जब आप पूल में जब आप मतलब पूल पार्टी करोगे तो वहाँ पे सीटिंग एरिया है, वो रहा सीटिंग एरिया, शायद ये लोग डेकोरेट भी करते होंगे, और ये है शायद बुफे एरिया जहाँ पे अच्छे से आप खाना खा सकते हो एक क्लोज वंस का पार्टी में, 50-60 पीपल आराम से एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग अच्छे से खाना खा सकते हो, खाना सर्व होता होगा। दिस इज द बेसिन, और ये रहा पूरा लॉन्ग, एक कैबिन जैसा है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 पीपल एडजस्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। लुलु तो अभी यहाँ पे पूल्स का सफाई चल रहा है, साथ ही साथ लाइट्स ऑन हो चुका है, लाइट्स भी अच्छा लग रहा है ना पूल के साथ, हाँ पूरा जब अंधेरा हो जाएगा तब ज्यादा खूबसूरत लगेगा। This is the restaurant where we are sitting. Okay. One baby corn. One crispy baby corn. Yes. Then 2 cup of milk tea without sugar. You serve sugar extra? Sure. Yeah. Milk tea, two. You? What are you going to have? All the afterwards. You just have a normal. One chicken noodles. One chicken noodles, right? Yes. Okay. Yeah, that's it for now. Sure. Yeah. Baby can one, two milk tea, and chicken noodles one. Yes. Thank you.
हो गया। मेरे को तो चीनी पसंद नहीं है, आई लाइक शुगर फ्री, मतलब वो खाते खाते टेस्ट चाय अच्छा है। आ गया लुलू लोग आ गया। বাহ কেনে কৈছে চা পার্কটো পার্ক আকর কে আয়ে হো রুক লে গেল কি গেল লুলু ক্যা ক্যা খেলা সব কুছ তুম ভি ঝুলা ঝুলা হ্যাঁ ঝুলা ঝুলা সচ মে তুম এলাও ভি কিয়া হ্যাঁ এলাও কিয়া কোন নি করে কি इवनिंग टाइम में गाइस हम लोग ने चाय लिया है और थोड़ा स्नैक्स लिया है। तो यहाँ पे क्रिस्पी बेबी कॉर्न है, हम लोग टेस्ट करेंगे। सबको प्लेट में डाल देती हूँ मैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, है ना? प्रेजेंटेशन लुक्स गुड। और ये लुलू का फेवरेट है, ये लुलू का ठीक है। लुलु की को ऐसा कुआ लुलु सिग्नेचर के ना खाऊं मैं देखवा ये तो की वस्तु है रहा दिया दिस शुगर और मैं क्या करूं वाह तब से कितने कथा बात तो गाइस हम लोग ने क्रिस्पी बेबी कॉर्न खा लिया है और चिकन नूडल्स ऑर्डर कर दिया है मम्मी के लिए। तो स्नैक्स ही खाया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेन्यू जो है अभी तक इतना ज़्यादा है नहीं और नया नया है, लेकिन होपिंग कि बहुत जल्द और मेन्यू इनकॉर्पोरेट होगा। और ऐसे क्रिस्पी बेबी कॉर्न अच्छा था, काफ़ी अच्छा था ना, हमें पसंद आया। चाय भी काफ़ी कड़क था, हमें पसंद आया। और अभी हम चलते बनेंगे, घर नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स खा लिया, डिनर कहीं और करेंगे। अभी बहुत सनसल बुझे पैसे ना, अभी बहुत सनसल, अभी एटा जगह ना थाको। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ का सर्विस मुझे आज थोड़ा सा लेट लगा। लाइक हम लोग एक घंटा से बैठे हुए हैं, एक दो कप चाय आया एक घंटा में एक बार, और एक बेबी क्रिस्पी कॉर्न आया, और अभी तक चाउमीन आया नहीं, स्टिल वन पेंडिंग। लेकिन टेस्ट ठीक था, अच्छा था, और अभी बिल भी आना बाकी है, पता नहीं बिल कब आएगा। हाँ शायद धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि अभी जस्ट नया नया किया है तो थोड़ा सा पजल भी होता है। आई एग्री ऑन दैट। बट अगर आप आ रहे हो थोड़ा सा टाइम लेके आना गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, और पहले आके यहाँ ऑर्डर दे देना, उसके बाद घूमना फिरना, तब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। তোমার পার্স তো ভাই যাও লেগে না 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 তোকে বাঁধ করে রেখে দিন, বাতন ধুলা করতে পারে গা, বাতন ধুলা করতে পারে গা। পাপা কেন কেন করে না মা ইদার খায়া বেবি কোন খায়া না সব কিছু খায় না পয়সা দে সব কিছু খিচে খালি মন কাছে না পার্স তো কেন না মোর কি তুমি আনিব দিয়া না যা পার্স তো লয়ে যা না 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 गाड़ी बात दिया खुश करी जो है पास तुले है अरे उन्होंने उन्होंने बासन दो बोले बैठे ऐसा कर देगा भैया इसको यहीं पे छोड़ देगा हमर चला जाता है होगा ना हां आप यहीं पे छोड़ देगा हां इट्स अ जोक ले लो दे आर जोकिंग विद यू मम घर का रास्ता ना देनु अरे मामा तुम गिरी बो नहीं की पापा तुम मेरे बेटा एने का मजाक कर रिया से हे व्हाट इज दिस बिहेवियर खोई दिए We are out of the restaurant right now.
एंड देखो इसको हम क्या करेंगे अभी बताओ। रवि एंग्री ऑन लुलू जो फेंक देगा इसको। रुको ना थोड़ा सा धैर्य धरो तो भाई। इसको हम क्या कर रहे थे बता, ये फट गया गाइस देखो सॉफ्ट है इसके अंदर सॉफ्ट। मेरे को भी खींच दो तो थोड़ा सा, बाकी डस्टबिन में फेंक दो। खाएगी नहीं ऐसे लिया इसलिए मैंने मना किया था उसको। तो ये रहा, अभी रात हो चुका है। चाउमीन के चाउमीन बना दो, चिकन चाउमीन। हां ये तो बाद में फोक देते तो हो गया। चिकन चाउ बोला मैंने। ये लग डर जाएगा। ओके सो लुलू एक्ट लाइक शिनचैन। क्या हेली डिश टू, मेरे नाम है शिनचैन, अरे मेरी उम्र है 5 साल और मुझे शिमला मिर्च खाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरो आरो हेली डिश टू, मेरे पापा मुझे एकदम ही नहीं डरते, बहुत फनी है, पर मेरी मम्मी बिल्कुल भी गुस्सा होती है, बिल्कुल गुस्सा होती है। यू गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ घर। अभी घर आके सबसे पहले कपड़े उतारने से पहले मैं सबसे पहले व्लॉग कर रही हूँ ताकि व्लॉग को एंड किया जाए यहाँ पे, क्योंकि हम आ चुके हैं वहाँ से। आप लोगों को मालूम चला ही होगा हम लोग कहाँ गए थे, और आई होप कि वो जगह आप लोग को पसंद आए और जितना भी मैंने दिखाया वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम जाओ तो क्या क्या जगह में कैसे कैसे एंट्री करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोग के लिए। सो प्लीज़ डू विज़िट अरण्या रिज़ॉर्ट। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगे। देन अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड please 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 shower your love and support as you have already been doing so far, or thank you very much for being there for me and making my family more and more day by day. So yeah, abhi main aa chuki hu ghar, abhi main kapda change karungi, then my makeup to maine sachi mein kuch bhi nahi kiya tha, to muh haath dhungi aur so jaungi, and till then stay tuned.